हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और हम बात करने वाले हैं आज सितंबर मंथ की रिवीजन की, ठीक है? तो ये रिवीजन को देखते हैं, और सितंबर मंथ, अगस्त मंथ, ये दो मंथ ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी की तो, ठीक है? जुलाई, उसके बाद जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना सारा पढ़ लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, आपका सारा चीज क्लियर है। कल हम बात करेंगे स्टैटिक का, और स्टैटिक में फिर से मैं कोशिश करूंगा कोई टॉपिक लेकर आऊं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ाया था और उनके एरियाज पढ़ाए थे, ठीक है? चलिए गाइज, तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे दो कोर्सेज चल रहे हैं, एक कोर्स करंट अफेयर्स का चल रहा है, अभी जो मैं सेशन लूंगा ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। हम डेली ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, कम से कम 100-100 क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये कोर्स हमारा फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ मेरा बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी क्लास चल रही है, बैंकिंग की, जीए की, जो क्लास मतलब काफी अच्छी क्लास है और काफी अच्छे नोट्स भी इसके हैं। चलिए गाइज, अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। और आप डाउनलोड करने के पास आपसे पूछा जाता है कि आपके गोल क्या है, तो यहां पे बैंक एग्जाम आपका गोल हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कर लीजिए, आपके सामने ये एक चीज खुल के आती है जिसमें बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। आपको हमारा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है, और कैसे करना है? थ्रू सब्सक्रिप्शन। अब वो आपके ऊपर है, आप एक मंथ, थ्री मंथ, सिक्स मंथ, या वन ईयर के लिए या टू ईयर के लिए हमारा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन गाइज, मैं आपको यही समझाता हूं हमेशा कि आप कम से कम 12 मंथ का आप ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जाम्स कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ते हैं, कंटेंट चेंज होते हैं, एजुकेटर्स के कंटेंट के लेवल बढ़ते हैं, तो आपको अगर एक कॉम्पिटिशन करना है, आपको कॉन्टिन्यूएशन रहना है, तो आपको ये चीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, एक साल की फीस जो है वो है हमारी 6,000 रुपए, लेकिन अगर आप AM लाइव कोड यहां पे पुट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो आपकी ये फीस 5,400 हो जाएगी। और गाइज, जैसा मैंने आपको समझाया, ये 5,400 ये पूरा अनअकैडमी के लिए, ये किसी एक के लिए नहीं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग एग्जाम के जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीए के, सारे के सारे के एजुकेटर्स के कोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। आपका मन, आप किसी भी क्वांट फैकल्टी की क्लास देख सकते हैं पेड, किसी भी रीजनिंग, किसी भी जीए, किसी भी इंग्लिश, कोई रोक टोक आपके लिए नहीं। तो इतने सारे आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप किसी भी इंफॉर्मेशन का यूज आराम से कर सकते हैं। चलिए गाइस, चले गाइस, तो यहां पर वही सेम चीज की बात हम कर रहे हैं। और एक लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, 2 साल अगर आप बिगनर हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम की कमी है, अगर आपके पास टाइम है मतलब काफी है, और आपको लगता है कि आपको लंबा खेलना है, तो आप 2 साल का हमारा ये कोर्स ले सकते हैं, 2 साल के लिए पूरा। और आपको AM लाइव कोड डालना है, आपकी फीस लास्ट में 8,640 ही पड़ेगी, तो यह भी ध्यान दीजिएगा। चले गाइस, शुरू करते हैं। मॉडल पेपर सेट 4 आपके सामने, और पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ये आपका रिवीजन है, तो ये मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आपको, मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकता, बिकॉज आप लोग सब ग्रेजुएट हो, और आपसे केवल बातें डिस्कस हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोफेसर है तो बहुत अच्छी चीज अगर करें तो, योगा निद्रा। आपकी ताकत का राज क्या है भाई? डेली एक मुट्ठी भर काजू खाओ, एक मुट्ठी भर अखरोट खाओ, एक मुट्ठी भर अखरोट, काजू और बादाम खाओ, बस और क्या। बढ़िया, मतलब मैं तो रोज सुबह एक गिलास कच्चा दूध पीता हूं, एक गिलास रात में पीता हूं, जब मेरी मतलब गाय हमारे यहां जाती है। कच्चा दूध काफी अच्छा होता है सेहत के लिए, काफी। आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, जी हां बिल्कुल, शिवा रमन चिरियान है, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। तो ये क्या है, केरला के एक राइटर थे, और इन्हें आबूधाबी शक्ति अवार्ड 1988 में मिला था। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, एंड तो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी बाई द यूनाइटेड नेशन एवरी ईयर? सिंपल क्वेश्चन, आंसर दीजिए। हाँ, उत्कर्ष हो गया है, बट बच्चों की बहुत डिमांड थी, सितंबर मंथ तो क्या किया जाए, तो लाना जरूरी था, क्योंकि बेटा अब एग्जाम है आरआरबी के, अगर थोड़ा भी हमने इधर उधर किया ना, तो मतलब मुझे लगता है कि बच्चों का एक भी नंबर नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, पार्टिसिपेटिंग थिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे. चलिए, नेम द प्लेस एट विच यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च द मैरीटाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज. यानी आपको बताया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे देश में यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं. तो इन्होंने ये सिस्टम कहां पे लॉन्च किया, ये आपसे पूछा जा रहा है. सुरभि गुड मॉर्निंग बेटा, महिमा बोल रही है चेन्नई, महिमा का आंसर आया चेन्नई केवल अभी तक. और धीरज बोल रहे हैं मुंबई, दीक्षा बोल रही है चेन्नई, उत्कर्ष बोल रहे हैं मुंबई, प्रपेश सर बोल रहे हैं मुंबई, एंड द आंसर इज मुंबई. मुंबई इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. नेम द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज वॉन द वियतनाम ओपन सुपर 100 टाइटल. एक बात मैं आपको बड़े क्लियर कर दूं, आपको कि आपके एग्जाम अगर आरआरबी के हैं और आप गलत आंसर दे रहे हो तो ये आप आज डांट भी खा सकते हो. अगर आपके एग्जाम आरआरबी के हैं और आप आज गलत आंसर दे रहे हो तो आप डांट भी खा सकते हो, क्योंकि ये सितंबर मंथ ही करंट अफेयर्स है. और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो मुंह बना लोगे और फिर क्या बोलोगे, सर ने पढ़ाया था जो वो आया ही नहीं. ठीक है, आंसर दीजिएगा. आंसर इज सौरभ वर्मा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. डीआरडीओ एंड द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट एवर अरेस्टेड लैंडिंग. देखो ये मैं आपको करा चुका हूं, ये गोवा में किया गया था किस एयरक्राफ्ट के साथ, तो ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से. देखते हैं आंसर पे, देखते हैं. ठीक है, आंसर दीजिए क्वेश्चन 5. प्रोफेसर बोल रहे हैं तेजस, ठीक है, सुरभि तेजस बोल रही है, ओमकार तेजस, तेजस इज राइट आंसर, तेजस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर्स इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एवरी ईयर, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का दिन मुझे फिर से बताइए, और साथ ही साथ थीम तो आपको बतानी ही बतानी है क्या होगा, देख लीजिए. हालांकि कई सारे बच्चे पहले ही कमेंट कर चुके हैं तो मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं. अच्छा, बढ़िया सर, बढ़िया, अच्छी बात है. अंकिता पॉल बोल रही है पार्टिसिपेशन, प्रियंका बोल रही है पार्टिसिपेशन, उत्कर्ष ठीक है आप तो बेटा सही बोलेंगे, दीक्षा ठीक है, आंसर इज पार्टिसिपेशन, 15 सितंबर, ये हमको पूरा मालूम है. तो यानी कि ये क्वेश्चन यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया, हमको डेमोक्रेसी भी मालूम चल गई, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है, और हमें इसकी थीम भी मालूम चल गई. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. ठीक है, तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू पब्लिश गुरु नानक देव राइटिंग इन वर्ल्ड लैंग्वेजेस. ये क्वेश्चन पहले भी मैं अपने पेड बैच में करा चुका हूं. मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा जो करंट अफेयर्स का पेड बैच है आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, भले आप एक मंथ के लिए क्यों ना करिए, ताकि आपको इतना कंटेंट तो मिल जाए कि आपका मतलब अच्छा हो जाए, सब रिवीजन हो जाए. और महिमा बोल रही है यूनेस्को, धीरज बोल रहे हैं यूनेस्को, प्रियंका बोल रही है यूनेस्को, सारे बच्चे यूनेस्को बोल रहे हैं. और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में, हमको पता है. यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस में है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस लियोन में है, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर भी फ्रांस लियोन में ही है ना. हाँ हाँ हाँ, फ्रांस, हाँ ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर. तो पहले मुझे ये बताइए कि प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर जो ये इंटरनेशनल डे है ये कब सेलिब्रेट होता है. थीम तो आपको पता है मुझे मालूम, एफएटीएफ, हाँ एफएटीएफ पेरिस फ्रांस, इंटरपोल लियोन फ्रांस, यूनेस्को पेरिस फ्रांस, एंड ओईसीडी पेरिस फ्रांस. चलिए, और डे, हाँ 32 ईयर्स एंड हीलिंग, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया. मुझे डेट भी बताइए. धीरज बोल रहे हैं 14 सितंबर, क्या ये सही आंसर है. प्रोफेसर बोल रहे हैं 16 सितंबर, मैक्सिमम बच्चे 16 सितंबर बोल रहे हैं. धीरज बेटा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बट आई रियली अप्रिशिएट कि आपने आंसर दिया. क्वेश्चन नंबर 9, द केरला गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्ड एमओयू विथ विच कंट्री ऑन कैंसर केयर. तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, केरला गवर्नमेंट रीजनल केयर, रीजनल कैंसर सेंटर, और साथ ही साथ कंट्री कौन सा है, देख लेते हैं आंसर पहले. आप लोग का पहले आंसर देख लें, फिर आगे बात करेंगे. आंसर इज, आंसर इज मालदीव, बिल्कुल सही मालदीव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. मालदीव के पार्लियामेंट का नाम क्या है, मालदीव के पार्लियामेंट का नाम क्या है, जरा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा. चलिए
आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं आपके सामने। तो इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू क्लिंच 2019 एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। अब ये अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट की बात करें तो ये श्रीलंका में हुआ था और इंडिया ने जीता। इंडिया ने किसको हराया, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, या नन ऑफ दीस? हाँ, मजलिस, मजलिस बिल्कुल सही आंसर। माले कैपिटल, रुफिया करेंसी जी। एंड द आंसर इज बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बांग्लादेश इज राइट आंसर। ओके ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी स्कॉलर्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज विल बी funded to pursue PhD at 23 Indian Institute of Technology as per the initiative recently launched by Indian government। तो गाइज ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को इसके लिए फंड याद होगा ना, तो फंड मुझे कमेंट में करिए, कितना फंड गवर्नमेंट ने इसके लिए अलॉट किया हुआ है। एशियान कंट्रीज के कितने स्कॉलर, तो ये भी मैंने पढ़ाया। आंसर इज 1000 स्कॉलर को पीएचडी करने का मौका मिलेगा हमारे देश के आईआईटी में हो तो ठीक है। इसके लिए टोटल फंड कितना अलॉट किया गया, मैंने ये भी पढ़ाया, ये भी आंसर चाहिए मुझे आपसे। आंसर दे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। टोटल फंड अभी तक फंड का आंसर किसी का नहीं आया, नोट करिए 300 के आसपास रजनी है, देख लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द फॉर्मर स्पीकर ऑफ आंध्र प्रदेश असेंबली हु वॉज अ सिक्स टाइम एमएलए एंड ऑल्सो सर्व एज अ मिनिस्टर इन द एन टी रामाराव एंड चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश पास्ड अवे रिसेंटली। इनका नाम क्या है, सितंबर मंथ के हम ऑबिट्रीज की बात कर रहे हैं। ऑबिट्रीज अगर आप पूरा ना पढ़े तो अगस्त सितंबर के पढ़ लीजिए, जुआ खेलने वाली बात हो जाएगी, एक नंबर लेकिन जरूर आएगा। मानस तिवारी ने बोला 330 करोड़ रुपए, क्या ये सही आंसर है? फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, के शिव प्रसाद राव या कोडेला शिव प्रसाद राव, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। गाइस हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, देख लीजिए यहां पे। नेम द कंट्रीज हूज सिविल सर्वेंट हैज ज्वाइंड स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम एट नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी इन उत्तराखंड अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। आप लोग इसका आंसर जानते हैं, पढ़ाया गया आपको है, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए और आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से। उत्कर्ष ये तो मैं बेटा गैम्बलिंग के लिए बोल रहा हूं, मतलब आएगा तो है ही है। और इसका आंसर क्या होगा, मालदीव एंड बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना, मालदीव एंड बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। नेम द बॉलीवुड एक्टर हु हैज वॉन 2 अवार्ड एट इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। द एक्ट्रेस वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर बधाई हो एंड हर फिल्म द लास्ट कलर इमर्ज विक्टोरियस इन बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी। आंसर आपको पता है इसका आंसर, मैंने पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन पहले भी। आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। गाइस व्हाट इज आंसर? और महिमा बोल रही है नीना गुप्ता, सुरभि बोल रही है नीना गुप्ता, एंड द आंसर इज नीना गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नीना गुप्ता इज राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कॉग्निजेंट इंडिया। तो ये भी आपको पढ़ाया गया है, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं है। आंसर दें क्या इसका आंसर होगा, वी हैव 5 ऑप्शंस। और अगर आंसर की बात करें क्या इसका आंसर होगा देखते हैं। एंड द आंसर इज रामकुमार रामामूर्ति, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। इंडियाज फर्स्ट नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हब वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। तो देखिए हम लोग बात इस पर कर चुके हैं। तो नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हब जो है वो इंडिया में कहां पर खुला, वो इंडिया में कहां पर खुला ये आपसे पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। महिमा ने बोला कोलकाता,
धीरज ने बोला है, आयुष ने बोला है, विनोद ने बोला है, प्रियंका, सब लोग बोल रहे हैं. आंसर इज कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ओके गाइज, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द 2019 मेन फीबा वर्ल्ड बास्केटबॉल चैंपियनशिप. गाइज आपको पता है ना कि फीबा वर्ल्ड बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है वो चाइना में हुआ, ठीक है, और ये किसने जीता ये आपसे पूछा जा रहा. और मेरे ख्याल से अगर आप डेली मेरा सीए फॉलो करते हैं तो उसमें मतलब सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाए गए. अभिनव तिवारी बोल रहे हैं स्पेन, क्या ये सही आंसर है? महिमा बोल रही है स्पेन, धीरज भी बोल रहे हैं स्पेन, सारे बच्चे बोल रहे हैं स्पेन, तो स्पेन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. मयंक वैद, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट इंड्यूरोमैन ट्रायथलॉन, इज फ्रॉम विच स्टेट? चलिए गाइस आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं. अरे प्रवेश सर बिल्कुल नहीं, आप नहीं नहीं ऐसी बातें मत करिए सर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आप लोग तो खुद ही समझदार हैं सर, है ना, मैं क्या बोलूं इसमें. आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी. हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ओके गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की. Who has become the India's first female military diplomat? इनका अपॉइंटमेंट रशिया में हुआ, आपको मैंने पढ़ाया हुआ, इसका आंसर क्या हुआ देख लीजिए. We have five options. Question number 19 guys, जल्दी से देखते हैं क्या इसका आंसर होगा और कौन इसका पहला आंसर देता है. वैशाली नहीं, अभी नहीं. नमिता बोल रही है एक डिसलाइक आ गया, नमिता बेटा काला टीका लगना बहुत जरूरी होता है. महिमा बोल रही है अंजलि, ठीक है, और देखते हैं अंजलि सिंह, अंजलि सिंह सारे लोग बोल रहे हैं अंजलि सिंह, और इसका आंसर इस अंजलि सिंह, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. क्या आप में से कोई ये मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि ये कौन सा फाइटर कॉम्बैट प्लेन चलाती है? आएगा तो आंसर करिएगा. चलिए वैसे आगे क्वेश्चन है इसका. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रिबुलेंस एंड ट्रायंफ द मोदी ईयर्स? What is your answer, guys? ये भी पढ़ाया गया आपको पॉइंट है. मैंने सारी बुक्स आपको पढ़ाई हैं, कई बार रिवीजन भी कराया मैंने इसका, और रिवीजन मैंने कराया भी है इसका. आंसर दीजिए आप लोग. चलिए प्रियंका बोल रही है मिग, महिमा बोल रही है मिराज. अब ये क्या इसका सही आंसर होगा ये नहीं मालूम. आईएएस की बात कर लें, मिग 29 प्रोफेसर बोल रहे हैं, एग्जामिन भी बोल रहे हैं भाई, सिन्नी भी सिन्नी मिग बोल रही है, ठीक है. आइए देख लेते हैं क्वेश्चन है भी आगे. बिलाल इस क्वेश्चन का आंसर रजनी ने बोला है, राहुल, महिमा ने बोला है राहुल, प्रियंका ने बोला है राहुल, आयुष बोल रहे हैं वही सेम चीज, एंड द आंसर इज राहुल अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. राहुल अग्रवाल इज राइट आंसर. ओके गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 21 की. नेम द यूएस स्विमर हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल 4 टाइम्स नॉन स्टॉप इन अ 54 आवर फीट टू एंड्योरेंस. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आइए आंसर करिए. महिमा बोल रही है सारा तोम्स, धीरज बोल रहे हैं वही सेम पांच ऑप्शन, आयुष, प्रपेश सर, प्रणव, ठीक है, एंड द आंसर इज, एंड द आंसर इज सारा थॉमस, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की. तो नेम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेस्ड ऑन द स्ट्रगल ऑफ अ फार्मर इन अ रिमोट उत्तराखंड विलेज एंड हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर. तो देखिए इस मूवी का नाम आपको पता है, अभी इस मूवी का नाम, देन इस डायरेक्टर का नाम, देन जिस फार्मर पे ये मूवी बनी है उनका नाम, सब कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा. आंसर क्या हुआ देखते हैं यहां पर. पहला आंसर कौन करता है? पहला आंसर किया है अभिनव तिवारी ने, दूसरा प्रपेश सर ने, तीसरा महिमा ने, चौथा विनोद दास ने, पांचवा धीरज ने, प्रियंका छठे नंबर पे, मनीष सातवें नंबर पे. आंसर इज मोतीबाग, ऑप्शन नंबर सी, मोतीबाग इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 23. नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मालदीव टू स्ट्रेंथन कैंसर केयर इन द आइलैंड नेशन. नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज साइंड अ एमओयू विथ मालदीव टू स्ट्रेंथन कैंसर केयर. तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है. मेरे ख्याल से आप लोग, हाँ, अभिनव का पहला आंसर, प्रवेश दूसरा आंसर, महिमा तीसरा, वेरी गुड बेटा, पंगिता चौथा, अंगिता पॉल लेट से आइए आप, प्रियंका पांचवा, आयुष छठवा, एंड द आंसर इज केरला, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. ओमकार बहुत अच्छे, मनीष बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे, वैशाली, मेघना बहुत अच्छे बेटा, विजित, सुष्मिता बहुत अच्छे, सरायना, एग्जामिन, एबीसीडी बाई ईशा बहुत अच्छे बेटा, नमिता, अनु, तृप्ति बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। चलिए क्वेश्चन 24, सिन्नी बहुत अच्छी बिटिया है, चलिए कविता बहुत अच्छे। नेम द इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हु हैज ज्वाइन द इंडियन एम्बेसी इन रशिया। देख लीजिए, एज अ डिप्टी एयर अटैक एंड बिकम इंडिया फर्स्ट मिलिट्री डिप्लोमेट टू बी पोस्टेड एनी ऑफ द इंडियन मिशन अब्रॉड। ठीक है, इसमें भी फाइटर प्लेन का नाम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप आंसर दे चुके हैं इसका। इसका आंसर क्या होगा? विंग कमांडर अंजलि सिंह, ऑप्शन नंबर बी, ये भी आप लोग मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद आगे क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाई इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। गाइस एक बात याद रखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में पांचवा एडिशन भी याद रखना है, और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखने में सिंपल होता है, बट उसके सारे पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं, वरना एग्जाम में क्वेश्चन घुमाएगा आप घूम जाएंगे। आंसर की बात करते हैं चलिए, और यहां पर पहला आंसर अभिनव तिवारी ने दिया, दूसरा अंकिता पॉल ने, महिमा कंफ्यूज है, धीरज नेक्स्ट, प्रवेश सर, प्रणव बहुत अच्छे, आयुष एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली, प्रीति कश्यप बहुत अच्छे बेटा, सरायना बहुत अच्छे, अर्पण बहुत अच्छे बेटा, हरिथा बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री विच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रगल ऑफ अ फार्मर इन अ रिमोट। देखिए अब आपसे डायरेक्टर का नाम पूछा गया है, अच्छा है, बढ़िया है, सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। गाइस आंसर दीजिएगा, और आंसर की बात करें तो जी हां बिल्कुल सही आंसर इनका क्या है, निर्मल चंद्र दंडवियाल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन फेलिसिटेटेड इन द यूएस विथ अ प्रेस्टिजियस एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 बाई फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस। गाइज मैंने आपको ये पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया है, और आपको आपसे मुझे सही आंसर चाहिए, देखते हैं पहला आंसर कौन करता। महिमा का पहला आंसर आ चुका है, धीरज का दूसरा आंसर आ चुका है, विनोद का तीसरा आंसर, हरिता का चौथा आंसर, आयुष का पांचवा आंसर, अभिनव तिवारी का छठवा आंसर, एंड द आंसर इज आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे त्रिशी, आप तो पढ़े थे कल, ठीक है बढ़िया। क्वेश्चन 28, नेम द प्लेस विच विल होस्ट द 29th मीटिंग ऑफ द नॉर्थर्न जोनल काउंसिल। 29th मीटिंग ऑफ द नॉर्थर्न जोनल काउंसिल, तो ये भी आपको पता है, अमित शाह जी ने इसको लीड किया था। And the answer is, and then Chandigarh, option number C, very good, ये भी question important है। याद रखना जब भी आप बात करेंगे जोनल काउंसिल मीटिंग की तो हमेशा होम मिनिस्टर उसे लीड करता है, ठीक है। आइए गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हु हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रेजिग्नेशन। तो आपको इसका भी आंसर पता होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, और इसका आंसर तो दिखते हैं एक बार आप लोग का कमेंट कर दिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है महिमा पहला आंसर आ चुका है आपका, धीरज दूसरा आंसर, अभिनव तीसरा आंसर, प्रवेश सर चौथा आंसर, शुभाशीष गांगुली पांचवा आंसर, ठीक है बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। एंड द आंसर इज ताकुए को नकाओ। आगे बढ़ते हैं गाइस, अनन्या साहू बहुत अच्छे बेटा, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मैस्कॉट फॉर द 2022 विंटर ओलंपिक। ध्यान देना, विंटर ओलंपिक भी है, विंटर पैरालंपिक भी है, और दोनों के मैस्कॉट अलग अलग है, और दोनों क्वेश्चन हमारे पास है, तो परेशान मत होइएगा, आंसर दीजिएगा। ये अभी विंटर ओलंपिक आपसे पूछा जा रहा है। महिमा बोल रही है ब्रिंग ड्रेन ड्रेन, ऑप्शन नंबर बी, प्रणव भी वही बोल रहे हैं, धीरज भी वही बोल रहे हैं, विनोद दास वही बोल रहे हैं, कविता चौथे नंबर पे है, आयुष पांचवें नंबर पे, आंसर इज ब्रिंग ड्रेन ड्रेन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। Name the
name the app recently launched by the Delhi Police, which is a one-stop destination for access to over 50 citizen-centric services. We have 4 or 5 options. Guys, answer kariye fatak se. Kya iska answer hoga? Dekh lijiye. Yahan par hamare samne 5 option hai. Aur 56 log dekh rahe hain. 33 like hain yaar. Kam se kam thoda sa ek bar like kar do yaar, taki hum logo ko bhi thoda sa matlab lage. And the answer is Tatpar application, option number D. Aur ise launch kiya tha waise Anil Bajal ji ne. Theek. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन. वेटरन एक्टर साथर हु मेड हिज एक्टिंग डेब्यू इन 1975 विथ मलयालम मूवी. तो देखो इसका नाम से ही मालूम चल रहा है, वेटरन एक्टर साथर हैं. साथर हैं मलयालम भाषा वाली मूवी से इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की. तो मलयालम तो मतलब केरला हो गया. तो आंसर क्या हो? केरला. ये भी एक ऑर्बिट्रीज पर पॉइंट है. ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following ministries is planning to develop a national water museum to increase awareness among people on the conservation of the natural resources? अब यहां पर बात हो रही है develop a national water museum. तो किस मिनिस्ट्री ने, मतलब मिनिस्ट्री ये प्लान कर रही है, ये आपसे पूछा गया है. तो अब देखो यार, समझदार के लिए इशारा काफी होता है. देखते हैं क्या आंसर आप लोग देते हो. कविता थैंक यू सो मच. चलिए आंसर करिए. वी हैव 5 ऑप्शंस और यहां पर आ रहा है जल शक्ति. और देखते हैं आंसर. आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. बिकॉज भाई जल की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है ना शुभ्राशीष. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मैस्कॉट फॉर द 2020 विंटर पैरालंपिक. अब यहां पर आपसे हमने विंटर पैरालंपिक पूछा है टू बी हेल्ड इन बीजिंग चाइना. व्हाट इज द आंसर गाइस? विंटर ओलंपिक की बात हम कर चुके. चेतन थैंक यू सो मच. मनीष बोल रहे हैं सर आप अर्जेंटीना के फुटबॉलर की तरह लगते हो. नाम बता दो भाई जरा नाम. अब बस ये मत बोलना कि मैराडोना. एंड द आंसर इज शुएत रोन रोन. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ओके गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 35. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अपॉइंटेड 4 सुप्रीम कोर्ट जज हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. देखिए ये तो आप ऑप्शन देख के बता लेंगे है ना, लेकिन नाम याद कर लीजिएगा. मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं कम से कम रिवीजन तो करा दूं कम से कम. अब यार प्रोफेसर ये तो मतलब एकदम छूट है. लियोनेल मेसी. चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर रंजन गोगोई है. तो नाम आपको याद होने चाहिए. एस रविंद्र भट्ट, हरिकेश रॉय, कृष्णा मुरारी और रामा सुब्रमण्यम. ठीक है, ये नाम आपको लर्न होने चाहिए. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं. नाम लर्न कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं जल्दीबाजी नहीं करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग विल चेयर द 29th मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल. देखिए मैंने आपसे बोला था चंडीगढ़ में यह मीटिंग हुआ, 29th मीटिंग थी, यह भी याद करना है आपको. 29th मीटिंग थी, ये भी आपको याद रखना है गाइस. और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मैंने बताया कि होम मिनिस्टर ही हमेशा लीड करते हैं, अमित शाह जी. तो क्वेश्चन में सारे पॉइंट को आप देखिए और उसे याद करिए. चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की. हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोतीबाग. तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे. निर्मल जी हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has become the first Indian wrestler to qualify for 2020 Tokyo Olympic? और आपको मैंने पढ़ाया है, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए गाइस. पहली इंडियन रेसलर. मनीष मान एक बात दोस्तों एक बात बताओ, क्या मेरी बियर्ड वाकई में ऑकवर्ड लग रही है? मेरे घर वाले ही बोल रहे हैं कि क्या शक्ल बना लियो, क्या तुम्हें गम है, किस चीज से गम है, क्या क्यों दुखी हो? अपना तो लुक चेंज करने वाली बात हो रही थी. आंसर इज विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर डी. विनेश फोगाट इज राइट आंसर. गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के. ऑन विच डेट द 2019 एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैम्बू डे. तो वर्ल्ड बैम्बू डे कब सेलिब्रेट होता है ये आपको बताया गाइस, ये आपको बताया. आंसर क्या होगा? ठीक है, आइए आंसर की बात करते हैं.
आंसर क्या होगा? ठीक है ठीक है, आंसर इज सितंबर 18, ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 18 इज राइट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। विनोद दास थैंक यू सो मच भाई, तुम मेरे असली भाई हो। ठीक है, बेटा नमिता डेज तो हमें पढ़ाना ही है ना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विथ एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स टू मार्क द 52nd इंजीनियर्स डे। और ये तो हाँ बिल्कुल उत्कर्ष, सही बोल रहे हो। अरे नहीं प्रोफेसर, मजाक कर रहे थे आप भाई हैं, बड़े भाई हैं आप हमारे। चलिए आंसर की बात करें, क्या इसका आंसर होगा, इस देख लीजिए यहां पर, और इसका आंसर होगा विनोद कुमार यादव जी, ऑप्शन नंबर ए, वीके यादव, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। थैंक यू मनीष भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हाँ प्रोफेसर बिल्कुल सही, प्रभाकर सिंह आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेस्ड ऑन द स्ट्रगल ऑफ अ फार्मर इन अ रिमोट उत्तराखंड विलेज वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर। द डॉक्यूमेंट्री इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो अब पर्सन का नाम पूछा गया है आपसे। प्रेरणा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनन्या थैंक यू सो मच बेटा, हमारी करंट अफेयर्स भी बेस्ट है यार, तुम लोग मुझे बैंकिंग का फैकल्टी बना दियो। ऐसा नहीं है, सीए भी ठीक कराते हैं यार, और कोशिश करते हैं हमेशा आगे बढ़ने की और आपको आगे बढ़ाने की। और इसका आंसर क्या होगा, विद्याधर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़े गाइस और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। एक दिन क्लास में केवल अंताक्षरी खेलें, केवल अंताक्षरी पढ़ेंगे ही नहीं, केवल अंताक्षरी खेलते हैं एक दिन क्लास में। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऑर्गेनाइज अ स्पेशल इवेंट टू मार्क द 52nd इंजीनियर्स डे। व्हाट वाज द थीम ऑफ 52nd इंजीनियर्स डे। तो इंजीनियर्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है ये तो हमको पता ही है, अरे प्रोफेसर सब बच्चियां हैं और हर बहन को अपना भाई अच्छा लगता है है ना उत्कर्ष, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, भाई भाई आंख में आंसू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज आंसर गाइस, चिड़िया मुझे दिखेगा नहीं ना चिड़िया भाई। वी हैव 5 ऑप्शन और आंसर क्या होगा, आंसर इज इंजीनियर्स फॉर चेंज, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर गाइस। प्रियंका बिल्कुल आपका मिनट विजिबल है बेटा, बिल्कुल विजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर लीजिएगा, द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 वाज रिलीज बाय द पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिक सोशल ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। कौन सा, मतलब इसमें से किस बॉडी का इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जो है इसने मतलब इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक रिपोर्ट निकाली, ये आपसे पूछा गया। गाइस आंसर करिएगा, आपको पता है ना इसका, ये इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 जिसमें बोला गया इंडिया ने टॉप किया, शायद आपने पढ़ा होगा इसे गाइस। और आंसर इज यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन इज राइट आंसर। ठीक है चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब देखिए इसी पर दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। एज पर द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट विथ 17.5 मिलियन पर्सन लिविंग अब्रॉड। तो ये वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमाया, आंसर इज इंडिया, ऑप्शन नंबर सी आपको बताइए। गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, इंडिया पोस्ट हैज एक्सपेंडेड स्पीड पोस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है देख लीजिएगा मनीष भाई यार बस करो, अब बहुत मजे ले रहा हूं। इंडिया पोस्ट हैज एक्सपेंडेड स्पीड पोस्ट सर्विस टू 6 न्यू फॉरेन डेस्टिनेशन एंड ऑल्सो अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट ईएमएस। ईएमएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ठीक है। आयुष का आंसर आ चुका है और इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज एक्सप्रेस मेल सर्विस, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तो एक्सप्रेस मेल सर्विस इज राइट आंसर।
गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनाउंस दैट अ क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी विल बी सेट अप टू सेट अप इन दिस प्लेस टू इंश्योर दैट टैलेंटेड एथलीट. तो देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और कॉर्पोरेशन कौन है, तो आपको बताइए अनुराग ठाकुर है. और अनुराग ठाकुर ने अनाउंसमेंट कहां पे किया है ये देख लीजिए. हाँ हाँ प्रेरणा जी बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं. आंसर क्या हुआ देखिए यहां पर. और आयुष बोल रहे हैं लद्दाख. अभिनव नहीं गलत है, अर्पण गलत है. जी प्रियंका बिल्कुल सही आपने बोला, आंसर इज लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख इज राइट आंसर. आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं. एक्चुअली जो मैम होती है ना, मैम है ना, तो एक्चुअली ये लोग सीरियल बहुत देखते हैं, सीरियल और टीवी बहुत देखते हैं, तो ये लोग उसी दुनिया में जीते हैं. तो इनको लगता है कि मतलब मैं इनके एज के बराबर दिखना चाहूँ और मेरा क्लीन शेव होना चाहिए और मतलब ये वो. मैं सुनता ही नहीं हूँ बात. मैं कहता हूँ ये सीरियल देख के ना तुम लोग का ये खत्म हो जाता है. तो सीरियल इसलिए मैं सीरियल से बोलता हूँ ना सीरियल. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अवार्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विच मतलब किस चीज के लिए, फॉर द 2019 गोल्डन गोलकीपर अवार्ड. थोड़ा सा ये टेक्स्ट यहां वहां भाग गया, देख लीजिएगा यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है. आंसर कीजिएगा इस कैस का आंसर होगा, देख लीजिए यहां पर. और इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. स्वच्छ भारत मिशन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. नेम द सिंगल विंडो सिस्टम रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विच विल बी यूज फॉर इशूइंग लाइसेंस टू प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, और सबका सही आंसर आना चाहिए. हाँ पायल जंगीट, मीनाक्षी बेटा अभी है क्वेश्चन, है ये क्वेश्चन है भी आगे आपको मिल जाएगा. जी आंसर की बात करते हैं, क्या इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 48 की बात, व्हाट इज आंसर. और अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल PSALP. ठीक है, इन शॉर्ट PSALP, ये भी आपको फोकस करना पड़ेगा. बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गाइस. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं. नेम द स्टेट विच रिसेंटली डिफीटेड रेलवे बाय 1-0 टू विन द सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन पासीघाट अरुणाचल प्रदेश. यानी गाइस सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश में हुआ, पहली बार हुआ. ये 24वां एडिशन था, ये 24th एडिशन था, और 24th में से 20 टाइम अकेले मणिपुर, ये गलत है, ये गलत है, मणिपुर जीत चुका है ये इवेंट. इसका आंसर मणिपुर होगा, मणिपुर. जी प्रोफेसर बिल्कुल. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं. ये मणिपुर की 20वीं जीत थी आउट ऑफ 24th एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी ऑफिसर फोनुंग डोमिंग, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू बी एलवेटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द इंडियन आर्मी. आंसर गाइस, क्वेश्चन नंबर 50. आयुष बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ओमकार भी बोल रहे हैं, प्रोफेसर भी यही बोल रहे हैं, प्रवीण भी यही बोल रहे हैं, एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. गाइस आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 51. हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड विथ द शास्त्र रामानुजा प्राइज. तो आपको मैंने ये पढ़ाया है ना, शास्त्र रामानुजा प्राइज किसको मिला. ये 32 साल से कम एज के जो व्यक्ति हैं जो मैथमेटिक्स में काफी अचीवमेंट इनका होता है उनको मिलता है. और आंसर दीजिए गाइस, क्या इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 51, ये यूके के निवासी हैं, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम. नाम बताएं इनका. और इसका पहला आंसर आ चुका है विनोद दास का, दूसरा प्रियंका कुमारी का, तीसरा आयुष का, अभिनव तिवारी का, एंड द आंसर इज एडम हार्पर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं. नेम द नेशनल वुमेन्स बैडमिंटन कोच हु हैज स्टेप डाउन फ्रॉम हर पोस्ट ऑफ नेशनल वुमेन्स कोच ऑफ इंडिया.
और आपको पता ये कौन है, साउथ कोरिया की ये निवासी हैं, और पीवी सिंधु को इन्होंने कोचिंग दी थी ड्यूरिंग बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बेसल में हुआ था उसमें। और गाइस इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज किम जी ह्यून, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने देख लीजिए यहां पर। Who among the following was recently appointed as the next ambassador of India to the Republic of Guinea-Bissau? ये भी आपको मैंने पढ़ाया है और मेरे ख्याल से ऑप्शन देख के ही आप इसका आंसर दे लेंगे आराम से। We have five options, guys. क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज गोदावर्थी वेंकटा श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। न्यू चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, वी हैव फाइव ऑप्शंस। क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए और आंसर करिए फटाक से। प्रियंका बोल रही है नीलेश शाह, एंड द आंसर इज नीलेश शाह, ऑप्शन नंबर बी। नीलेश शाह ने निमेश शाह को रिप्लेस किया था, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवार्डेड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2019 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है। वैसे मैं पहले दे रहा हूं आंसर इज अमिताभ बच्चन, क्योंकि आप लोग बता ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड यूएस आर सेट टू होल्ड द फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कोड नेम, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, एट विशाखापट्टनम एंड काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो आपको बताया इसका आंसर क्या होगा, ये पढ़ाया गया भी और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इतिश्री ने पहला आंसर दे दिया, अभिनव तिवारी दूसरा, प्रियंका तीसरा, प्रणव शिंदे चौथा और प्रवीण पांचवा, एंड द आंसर इज टाइगर ट्रिम्फ, ऑप्शन नंबर सी। इसके पहले इंडिया केवल रशिया के साथ ही इंद्र एक्सरसाइज करता था ऐसा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ हाउसिंग लोन सब्सिडी स्कीम अपुनार अपुन घर, अपुनार अपुन घर, ठीक है। तो जहां पर अपन अपन लग गया वो सो एक ही स्टेट होता है, फिर भी आपके आंसर का मैं वेट कर लेता हूं एक बार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग इन द 23rd एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज मालाबार 2019 विद द नेवीज ऑफ विच कंट्रीज, देख लीजिए यहां पर। अब आंसर क्या होगा इसका, नहीं बेटा नमिता ये सितंबर का, जुलाई का नहीं है बेटा। अच्छा प्रोफेसर, अच्छा अच्छा अच्छा, महिमा बोल रही है जापान, अर्पण बोल रहे जापान, भाई यहां पे दिया हुआ है ना ये जापान के तट पे हो रहा है, तो मालाबार जापान इंडिया और यूएस के बीच में एक मैरिटाइम एक्सरसाइज होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द तेलुगु फिल्म एक्टर हु हैज पॉपुलर एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट एंड इंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री थ्रू द फिल्म। तो ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको इनका नाम पता होगा, गजब के एक्टर थे, बहुत बढ़िया, बहुत मार खाते थे मूवीज में। इनका नाम वेणु माधव है मेरे ख्याल से, हाँ वेणु माधव, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Next question, who among the following has been elected as the member of the International Association of Athletics Federation? देखिए हम member की बात कर रहे हैं, हम member की बात कर रहे हैं, हम head की बात नहीं कर रहे हैं। और member की बात करें तो ये Indian Athlete Association के head हैं और इनका नाम है Ajil Sumriwala, option number E is right answer. Next question, name the actress who has been chosen as goodwill ambassador by the Chief Electoral Office in Maharashtra to create awareness among people about the importance of voting. Guys, मैंने आपको ये पढ़ाया है, मैंने आपको ये पढ़ाया है और आपको इसका सही आंसर देना है। Question number 61.
एंड द आंसर इज माधुरी दीक्षित, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. माधुरी दीक्षित इज राइट आंसर. गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 की. द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व वर्ल्ड मैरीटाइम डे एवरी ईयर. दिस ईयर द थीम फॉर द डे इज. तो पहले तो मुझे आप वर्ल्ड मैरीटाइम डे का दिन बताइए और फिर उसके बाद थीम बताइए. हाँ, एमपी के गोविंदा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, गेटोरेट के हिमा दास बनी है, वीजा की पीवी सिंधु बनी है. चलिए अब आंसर की बात करते हैं. इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, वुमेन इन मैरिटाइम सेक्टर. और डे की बात करें तो 26 सितंबर अर्पण बनर्जी ने बोला है. अर्पण बनर्जी तुम कहां कहां हो? अर्पण बनर्जी अभी टेलीग्राम ग्रुप में भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और यहां पर भी है. मल्टीटास्किंग. एंड द आंसर इज, ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन इन द मैरिटाइम. ठीक है, बट बढ़िया, अच्छी बात है. गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं. कॉमिक बुक सीरीज विथ आपको नाम बताना है एज द सेंट्रल कैरेक्टर हैज बीन अनवील्ड बाय द आयुष मिनिस्ट्री. श्रीपद यासो नायक ने इसको लॉन्च किया है, यह भी याद रखिएगा. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोफेसर आयुष्मान. ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 64 क्वेश्चन की. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. चलिए ये तो ठीक है, मुझे इसके साथ इसकी थीम भी बताइएगा, इसकी थीम क्या रहने वाली है, क्योंकि मैंने थीम आपको पढ़ाया है. अर्पण थैंक यू भाई, थैंक यू. And the answer is Kolkata. It is very important question also. Kolkata or Risen, हाँ, RISEN. हाँ, Risen याद कर लेंगे, theme आपको याद हो जाएगा. ठीक है, next question. Name the athlete who was recently presented the veteran pin by the World Athletics. तो ये आपको पता है किसको veteran pin मिला है, तो ये कौन है? देख लेते हैं एक बार answer आप लोग का, फिर आगे बढ़ते हैं. और अगर मैं, हाँ, पीटी उषा इज राइट आंसर. पीटी उषा इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज स्ट्रेस इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फिस्कल ईयर 2019-20 फ्रॉम 7% टू दिस परसेंट. आइए आंसर की बात करें, क्या इसका आंसर होगा? वी हैव 5 ऑप्शंस. जल्दी से गाइस, थकिए मत. और यहां पे प्रपेश सर बोल रहे हैं 6.3, प्रियंका बोल रही है 6, प्रियंका कुमारी बोल रहे हैं 6.5, इतिश्री 6.5, कविता, ठीक है, एंड द आंसर इज 6.5 इज राइट आंसर. गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की. विच कंट्री हैज लिफ्टेड द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हिल्सा फिश टू इंडिया एज अ गुडविल जेस्चर ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा. मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है. और अगर हम आंसर की बात करें, जी हां, शुभ्राशीष गांगुली बांग्लादेश, कविता दूसरे नंबर पे, वेरी गुड, अभिनव तीसरे नंबर पे, आयुष चौथे नंबर पे, विनोद पांचवे नंबर पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस एन एनुअल सपोर्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ ट्रिपल तलाक टू टिल देयर रिहैबिलिटेशन. कितना अमाउंट, ये आपको बताना है. और अभी हम लोगों ने आज के अपने सीए में उत्तर प्रदेश का रिविजन किया और हमने ये पॉइंट पढ़ा भी है वहां पर. प्रियंका कुमारी पहला, अभिनव तिवारी दूसरा, ओमकार तीसरा, प्रपेश्वर चौथा, कविता पांचवा, मेघना छठवां, अर्पण सातवां, एंड द आंसर इज 6000 रुपीज. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन होस्टेड ग्लोबल गोल्स जैम 3.0 विच फोकस ऑन डिजाइन थिंकिंग एंड सर्विस डिजाइन मेथोडोलॉजी वॉज होस्टेड विद द थीम. तो देख लीजिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन होस्टेड ग्लोबल गोल्स जैम 3.0 और इसकी थीम क्या थी, ये आपसे पूछी गई है. ई वेस्ट, ई डिजाइन, ई जैम,
ई सर्विस ई गोल्स अब यहां पे इतिश्री ई वेस्ट आयुष ई वेस्ट साइना बेटा कंप्यूटर के नोट्स कई बार शेयर किए गए हैं एक बार आप उसमें डॉक्यूमेंट में जाइए आपको मिल जाएगा बेटा ई वेस्ट इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विथ द इंटरनेशनल मतलब आईसीसी अंडर विच द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल गेट एक्सक्लूसिव डिजिटल कंटेंट आपको मैंने पढ़ाया है और सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे मुझे मालूम है और आंसर की बात करें आंसर इज फेसबुक ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फेसबुक इज राइट आंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 71 नेम द अमेरिकन टेलीविजन प्रोड्यूसर एंड अ फोर टाइम एमी अवार्ड विनर हु पास्ड अवे रिसेंटली इनका निधन हो गया इनका नाम आपको बताना है क्या इनका नाम था और इनका नाम है जे माइकल मेंडल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द चेंज मेकर अवार्ड 2019 एट द गोलकीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड 2019 तो ये भी आपको पता है क्या नाम है इनका है ना अभी आप लोग बात कर ही रहे थे चाइल्ड मैरिज मैरिज के खिलाफ इन्होंने मतलब प्रोटेस्ट किया था अपने शहर अलवर स्टेट राजस्थान देश इंडिया आंसर इज पायल जंगी तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37 नेम द फॉर्मर टू टाइम्स फ्रेंच प्रेसिडेंट हु पास अवे रिसेंटली एबीसीडी नॉट जयपुर इट शी बिलोंग्स टू अलवर आंसर दीजिए जल्दी जल्दी और इसका आंसर होगा जैक्स चिराक ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते गाइस और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हु अमंग द फॉलोइंग विल बी सक्सीडेड By the Army Chief General Bipin Rawat to become the new Chairman of the Chief of the Staff Committee. तो आपको पता है कि हमारे देश में न्यू चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन बने बिपिन रावत बिपिन रावत जी ने किसको रिप्लेस किया तो यह भी हमको पता है आंसर इज एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन प्रणब मुखर्जी रिलीज अ बुक named Reset Regaining India Legacy with written by Subramaniam Swami ये कौन है हमारे देश के ये आपसे पूछा गया तो Subramaniam Swami जो है ये हमारे देश के बहुत अच्छे पॉलिटिशियन तो हैं लेकिन ये बहुत बड़े स्टैटिशियन भी हैं और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ये भी याद रखेगा ये स्टैटिशियन भी हैं स्टैट्स बहुत बढ़िया इनका बहुत धाकड़ इनका आइए नेक्स्ट पॉइंट Name the payment bank which has joined hands with HDFC Ergo General Insurance Company to offer unique mosquito disease. तो आपको ये पता है क्या इसका आंसर है पढ़ाया गया आपको Guys, answer दे fast. And the answer is Airtel Payment Bank. Option number E is right answer. Airtel Payment Bank is right answer. आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं. तो मध्य प्रदेश Chief Minister Kamal Nath has announced that the metro rail in Bhopal will be named for this ruler on 11th century. Answer दीजिएगा. तो आपको पता है क्या ये सही answer क्या होगा इसका? What is the answer, guys? And the answer is Raja Bhoj. Option number B is right answer. Okay, let's move to question number 78.
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनवील्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम डेवलप्ड बाई CSIR ऑन द ओकेजन ऑफ CSIR फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली. तो यहां पे CSIR में एस का मतलब क्या है, उसके पहले याद रखिएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कोविंद जी ने पहला इंडिजीनियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम लॉन्च किया, ये मत भूलिएगा. कहां लॉन्च किया, दिल्ली में लॉन्च किया CSIR के फाउंडेशन फंक्शन में. अब CSIR का हां फुल फॉर्म बताइए साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक जी. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हैव एंटर्ड इनटू एमओयू फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने एक एमओयू में एंट्री की है टू एस्टेब्लिश ऑफ कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो आपसे पूछा गया है कि किसके, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और विच ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा, तीन लोग का एग्रीमेंट है और इसका आंसर DRDO होना चाहिए. आई थिंक DRDO ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आपसे पूछा जा रहा है. मेरे ख्याल से सारे बच्चों को यह पता है, कई बार हम लोग MCQs में कर भी लिया क्वेश्चन. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एयर मार्शल HS अरोड़ा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एयरपोर्ट विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफर्ड टू पैसेंजर्स इन टर्म्स ऑफ सर्विस कस्टमर सेटिस्फैक्शन. और यह भी आपको पढ़ाया गया है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे मुझे पता है. इस एयरपोर्ट को 2017 में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि यह फुल्ली सोलर पावर पर वर्क करता है. आंसर इज कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, PNB MetLife India Insurance Company Limited has tied up with which insurance firm to offer a product which covers health, death and illness. ये भी आपको पढ़ाया गया, ये भी आपको पढ़ाया गया, आंसर दीजिएगा. और ओमकार बोल रहे हैं रैलीगियर, प्रवीण बोल रहे हैं टाटा AIG. क्या इसका आंसर होगा, तो रैलीगियर हेल्थ इंश्योरेंस और PNB MetLife इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देख लीजिए. विच कंट्री वॉज रैंक 44th इन द IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटर. तो यह भी आपको पढ़ाया गया, अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया 44th नंबर पे था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. ठीक है, आंसर दीजिएगा. IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग. और पहले पे कौन है, तो पहले पे आप लोगों को पता होगा इसका आंसर वैसे देखा जाए तो. नहीं, अच्छा 44th पूछा है क्या, सॉरी 44 तो इंडिया है और टॉप पर कौन है, टॉप पर यूएस है. मुझे लगा टॉप पूछा है तो टॉप पे यूएस है, 44th रैंक दी तो है यहां पर इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was appointed as the first woman president of Tamil Nadu Cricket Association at the 87th annual general meeting of TNCA in Chennai, Tamil Nadu? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रूपा गुरुनाथ, ऑप्शन नंबर डी. रूपा गुरुनाथ इज राइट आंसर. हरीश बेटा झूलन गोस्वामी तो बॉलर थी ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच वो हैज रिसेंटली रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इन द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ कैटेगरी. ये भी अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ाया गया क्वेश्चन है, इसका आंसर देना होगा. इसका आंसर देख लीजिए, वी हैव 5 ऑप्शन ऑलरेडी गाइज, आंसर करिए फास्ट. क्या इसका आंसर होगा, एंड द आंसर इज इन्फोसिस लिमिटेड. इन्फोसिस इज राइट आंसर, इन्फोसिस हमारा सही आंसर है. हम आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं 86 क्वेश्चन की आपके सामने.
नेम द सीनियर पार्टनर एट द आइकॉनिक ब्रिटानिया एंड कंपनी रेस्टोरेंट हु पास्ड अवे रिसेंटली. क्वेश्चन नंबर 86 गाइस, जल्दी आंसर करें. एंड द आंसर इज बोमन राशिद कोहिनूर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहां पे 2 डिसलाइक हो चुके हैं, शायद कंटेंट पसंद नहीं आया होगा. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल एग कमीशन फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स. तो आपको पता है इसका आंसर, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी. चलिए और आंसर की बात करते हैं. आंसर है सुरेश चितूरी, ऑप्शन नंबर डी. गाइस आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विथ इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया अवार्ड एट द फेम्ड कॉन्फ्लुएंस एक्सलेंस अवार्ड. ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और ये लेडी इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरमैन भी है. इनका नाम क्या, देख लीजिए यहां पर, आंसर दीजिएगा. And the answer is Kalipuri, option number C. Kalipuri is right answer. Guys, आगे बढ़ेंगे, next question. On which day UNESCO observe International Day for Universal Access to Information every year? चलिए guys, आगे बढ़ते हैं. Answer दीजिए, क्या इसका answer होगा. We have 5 options. और अगर आंसर की बात करें, आंसर इज 28 सितंबर. 28 सितंबर इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 90th की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इशूड 3 क्वाइंस. तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, सिख सिंबल टू कमेमोरेट द 550 बर्थ एनिवर्सरी. अब ये ध्यान देना कि 100 रुपए का, 1000 रुपए का और 2500 रुपए का, मतलब कि 2500, 1100. ये नंबर्स याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका. एंड द आंसर रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक, जो कि वहां का रिजर्व बैंक है. ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द वेटरन बॉलीवुड एक्टर हु इज रिमेंबर्ड फॉर हिज रोल एज कालिया इन द क्लासिकल मूवी शोले पास्ड अवे रिसेंटली. And the answer is Viju Kote, option number D is right answer. Next question or last question hamara aaj ka. On which day the World Health Organization observe World Rabies Day every year? Kal guys aesthetic ka portion hamara hai, theek hai, dhyan dijiyega. Answer please. एंड द आंसर इज 28 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे सेशंस. हमारा यही ऑब्जेक्टिव है और आई विश आपके आपका एग्जाम अच्छा हो, आपको बेस्ट ऑफ लक. खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए लाइफ में, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट करते रहिए, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए और सबके दुख दर्द को समझिए, सबके लिए काम करिए, अपने लिए तो सब काम करते हैं ना. थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.